हेलो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मल्टी टैलेंट विद नुसरत। जैसा कि आपको मालूम है कि मेरे चैनल का नाम मल्टी टैलेंट है, तो इसलिए मैं आपके पास डिफरेंट डिफरेंट किस्म की वैरायटी लेके आती हूँ। तो आज मैं आपके सामने ये देखें, ये मैं आपके पास सामने ये जो चीज़ें रखी हुई हैं, ये सब जूट से हैंडमेड हैं सारी की सारी, और ये मैंने खुद बनाई हुई है। तो चलिए मैं वन बाई वन करके आपको दिखाती हूँ क्या क्या है इसमें। ये देखें, ये मैंने फ्रेम बनाया है, ये देखें ये मैंने फ्रेम बनाया है हार्डवुड लेके। ये हार्डवुड लेके उसके ऊपर मैंने ये फ्लावर्स मिल जाते हैं, ये इनको मैंने अलग अलग थे, इनको मैंने चिपका दिया इसके साथ। ये देखें, ये मैंने ग्लू गन लेके उसके साथ चिपकाया हार्डवुड लेके। ये पहले मैंने जूट जो है इसके ऊपर मैंने पूरा कवर किया जूट से, फिर उसके बाद ये मैंने ये देखें ये बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, बीड्स मैंने इसमें डाल के और ये इस तरह से इसको चुटिया सी बना के उसके अंदर लाइन से ये जो मैंने बीड्स डाले हैं कलरफुल लग रहा है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। ये बैक साइड से दिखाऊं तो कुछ ऐसा है, ये पीछे से कवर करना रह गया थोड़ा सा, लेकिन ये देखें फ्रंट से कितना खूबसूरत लग रहा है। इसका हैंडल भी मैंने बनाया है कि आप इसको कहीं पर हैंग कर सकते हैं। ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है कलरफुल सा। और उसके साथ देखें ये देखें ये देखें ये अच्छा ये देखें ये इस ये क्या चीज़ है, ये जनाब ये हैं सीपियाँ हैं। जी हाँ, ये समंदर से भी वहाँ से लेके आई थी मैं, ये सीपियाँ हैं सारी की सारी। इस पर मैंने नेल पॉलिश लगाई है, ये नेल पॉलिश लगा के ये मैंने इसको कवर किया है। इसी तरह की फ्लावर्स लगा के इसके ऊपर मैंने ये चिपका दी हैं, वो भी इसके साथ ये ग्लू गन के साथ सारा काम हुआ है। अच्छा, इसका बैग भी देखें तो इसका बैग भी ऐसे ही है। तो ये देखें, इसको भी आप हैंग कर सकते हैं किसी भी जगह पर, बड़ा खूबसूरत सा ये पेयर बन गया हमारा। इस पर भी लगा हुआ था लेकिन वो फिर वो उतार दिया मैंने, वो नहीं चिपक रहा था, उसे स्टिक नहीं हो रहा था उसके साथ। तो ये दो फ्रेम मैंने रेडी किया, ये जूट से बने हुए हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है ये, और मैंने ये सब बनाया है। अच्छा, इसके अलावा जो इसके साथ रखा हुआ है, ये देखिए ये मैंने ज्वेलरी बॉक्स बनाया है, ज्वेलरी बॉक्स ये देखिए, ये मैं पहले आपको दिखाऊँ, ये देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए और ये देखिए, ये देखिए ये भी हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड बना हुआ है ये। और ये देखें, ये भी मैंने इसको इसे मैंने बनाया है, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा लग रहा है। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये देखें ये इस तरह इसका कैप है, ये इस तरह, और ईज़िली बन जाता है। ये शौक़ की बात होती है, अगर आपको शौक़ है किसी भी चीज़ को सीखने का, नई नई चीज़ों को, तो आप कोई भी चीज़ खुद कोई भी चीज़ कोई भी क्रिएट कर सकती हैं। ये देखें, ये खुद मुझे शौक़ हो रहा था तो ये मैंने बनाया। ये देखें, ये देखें कलर देखें, कलर कॉम्बिनेशन देखें, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये ज्वेलरी बॉक्स है, ये देखें ये इसका कवर है, ये इस तरह है। अब क्या है, अब ये देखें इसके साथ ये मैंने हैंड बैग बैग्स बनाए हैं, ये देखें ये कुछ इस तरह से है। और ये देखें ये इसके ऊपर, ये आप मोबाइल भी रख सकती हैं छोटी बच्चियों के लिए, जो 10-15 साल की बच्चियां होती हैं कि उनको देने के लिए कि चले खुश हो जाएंगी वो देख के। तो इसके ऊपर ये मैंने ये देखें ये फ्लावर्स लेस थी उसको काट के मैंने इसके ऊपर स्टिक कर दिया है, तो कितना खूबसूरत सा लुक आ गया है। ये भी हैंडमेड है सारा, ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बैग भी देखें इसका, कितना खूबसूरत लग रहा है। ये जूट के लाती है। अच्छा, इसमें भी वैरायटी होती है कई किस्म की, एक ज़रा सी हार्ड होती है थोड़ा सा उसके अंदर, और ये सॉफ्ट वाली है, अच्छी वाली, अच्छी क्वालिटी की मैंने यूज़ की है। तो ये देखें इसके अंदर, ये इसको मैंने इस तरह बनाया है, बड़ा अच्छा सा ब्यूटीफुल लग रहा है। और ये मैंने इसके अंदर बटन लगा दिए हैं साथ ही, तो ये देखिए घर से ही सारी चीज़ें निकल आती हैं, लेस वगैरह, बटन्स वगैरह, तो आप ये इस तरह भी बना सकती हैं। अच्छा, इसके अलावा ये देखें बड़ा बैग है, ये देखें ये भी हैंडमेड है, ये देखें इसको मैं आपको बताती हूँ कि ये देखें ये लेस थी मेरे पास, इसको मैंने कट करके इसके ऊपर सिलाई लगा ली, इसको मैंने स्टिच किया है, ये बैग स्टिच हुआ है, और साथ ही इसका हैंडल मैंने बनाया है। ये देखें ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है, छोटी बच्चियों के लिए आप भी घर पर बना सकती हैं। ये देखें इसमें बीड्स मैंने लगाए हैं, ईज़िली मिल जाती हैं सारी चीज़ें मार्केट में, ये देखें। और ये देखें इसको मैं खोल के दिखाती हूँ आपको, ये देखें ये कितना खूबसूरत सा लग रहा है, इसको आप खोल सकती हैं। इसको बड़ा खूबसूरत सा बटन लगा हुआ है, ये लेस लगी हुई है, इसी की मैचिंग का मैंने इसके साथ बटन लगा दिया है। ये देखें ये अंदर अस्तर भी लगा हुआ, और ये स्टिच हुआ हुआ सारा, इसको स्टिच किया है मैंने। ये देखें और बड़ा खूबसूरत सा इसका हैंडल है, और साइड्स पर ये देखें कितने खूबसूरत से बीड्स लगा लिए मैंने। ये देखें इतना खूबसूरत लग रहा है, ये कोई भी चीज़ इसमें आप रख सकते हैं। ये कितना खूबसूरत सा ब्यूटीफुल सा हैंड बैग है ये।
इसके अलावा ये देखें, एक ये रखा हुआ है मैंने, ये देखें, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। इसके बीड्स देखें कितने कलरफुल लग रहे हैं। और ये फ्लावर्स देखें, ये भी हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है ये बैग। और इसके ऊपर ये मैंने लेस लगाई और ये स्टिच किया है मैंने। ये अंदर से आप इसका लुक देखें तो ये देखें, ये इसके ऊपर अंदर लाइनिंग भी लगी हुई है और कितना सफाई से सिला हुआ है ये देखें। जब आप अपने हाथ से कोई चीज़ बनाते हैं तो आपको बहुत खुशी मिलती है, चाहे वो खाना है, चाहे वो लिबास है या कोई भी चीज़ है। अगर आपने खुद से बनाया तो उसकी खुशी ही कुछ और होती है। ये देखें, ये मैंने इसमें कलरफुल से बीड्स मैंने लगा दिए हैं। और ये देखें, ये भी हैंडमेड है, ये देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये देखें, ये यूनिक किस्म की चीज़ें हैं सारी के साथ। ये देखें, ये इसके साथ ये देखें एक बैग, ये देखें ये कितना डिफरेंट है। थोड़ा सी क्रिएटिविटी लेके आए अपने अंदर और बनाए डिफरेंट चीज़ें। ये देखें, इसके बीड्स देखें कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये देखिए, ये देखिए, इसके ऊपर मैंने लेस लगाई है और ये बटन मैंने इस पर लगा दिए। घर पे इसे सारी चीज़ें निकल आती हैं तो ये मेरे पास रखे हुए। तो ये देखिए, ये पाउच मैंने स्टाइल बनाया है इसका, पाउच का। ये देखिए, ये आगे से इस तरह हो रहा है, ये पाउच स्टाइल मैंने बनाया है। इसमें लाइनिंग नहीं लगी है, ये इस तरह इसको लूज़ किया जा सकता है। और ये देखिए, ये देखिए, और इसको, और अगर आपने इसको थोड़ा सा इसको टाइट करना है तो ये इसको आप कर सकते हैं यहाँ से। इस पर भी मैंने बीड्स लगा दिए हैं इसके मैचिंग के साथ। मैंने ये लेस लगा दी है, ये अलग से मैंने ये निकाल के ये स्ट्रिप से बना के लगा दी है। तो हैंडमेड है, साथ साथ ये ग्लू के साथ भी, ये हॉट ग्लू गन के साथ भी मैंने इसको स्टिक किया है। और ये देखें, ये इसके अंदर ये टू कलर्स मैंने इसमें, एक डार्क और एक लाइट शेड है। तो इसकी मैंने चुटिया सी बना के तो इसको मैंने और भी अच्छा सा बना दिया। ये देखिए, इतना अच्छा खूबसूरत सा लग गया इसका हैंड बैग, इतना अच्छा सा खूबसूरत सा बन गया है। तो ये हो गया। इसके साथ मैंने ये छोटे छोटे पाउच हैं, ये देखिए, ये गिफ्ट पाउच कहलाते हैं। आप इसके अंदर इसको देखिए, ये देखिए, ये देखिए, जैसे ज्वेलरी है, कोई छोटी मोटी ओकेजन पे आप बच्चों को स्वीट्स डाल दी, कोई ज्वेलरी छोटी छोटी सी डाल के इसको ये आप दे सकते हैं। तो ये भी बड़ा अच्छा लगता है। ये देखिए, ये इसको इस तरह से मैंने बनाया, ये इस तरह से, ये यहाँ से निकल गया इसका, ये देखिए, ये इस तरह से मैंने बनाया है। ये देखिए, ये इस तरह से, ये देखिए, ये पाउच शेप के पाउच आ जाएगा। अच्छा, ये देखिए, इसमें मैंने एक बटन लगाया है। ये इसको और भी खूबसूरत करने के लिए थोड़ा सा मैंने इसके ये इसकी ये इस तरह धागे निकाल के इसको एक फ्लावर की शेप देके तो मैंने यहाँ पे इसको स्टिक कर दिया है। और यहाँ से स्टिच किया है मैंने सारा, ये स्टिच हुआ है, ये भी इतना खूबसूरत लग रहा है। ये देखिए, इस तरह से ये मैंने सारे बना लिए और बटन लगा लिए इसके ऊपर डिफरेंट किस्म के। इसके अलावा ये देखिए, ये बड़ा बैग है, ये देखिए, ये मैंने बनाया है, ये बड़ा बैग है। ये फ्लावर्स भी मैंने खुद बनाए हैं, हैंडमेड है, टोटली हैंडमेड है ये सारा। ये देखिए, इतना खूबसूरत लग रहा है कॉम्बिनेशन देखें। ये फ्लावर्स कोई ज़्यादा मुश्किल कोई नहीं है, ये बनाना बहुत ही ईजी तरीके से बन जाता है। तो ये मैंने रखे हुए थे बना के, तो मैंने कहा आप लोगों को इसकी वीडियो बना के शेयर करती हूँ। ये देखिए हैंडल, देखिए, ये देखिए हैंडल, ये एक पूरा बैग है एक तरह से। ये देखिए, अंदर भी मैंने इसके लाइनिंग लगाई हुई है, अंदर पॉकेट भी है एक। ये देखिए, ये अंदर पॉकेट भी है, आपको आ रहा होगा नज़र कितने अच्छे से सिलाई से सिलाई की हुई है। अंदर मैंने इसको स्टिच किया है, कितनी सफाई से पता ही नहीं चला। और ये ऊपर लेस लगा दी है मैंने और इसको इस तरह से एक हैंडल बना दिया। ये देखिए, और ये फ्लावर बना के मैंने इसके ऊपर लगा दिया। ये देखिए, ये देखिए, ये नीचे से इसकी शेप पूरी बैग की बनी हुई शेप, तो कितना खूबसूरत लग रहा है, कलरफुल सा ये है। ये देखिए, इसको हैंग करके मैंने दिखाया ताकि अच्छे से आपको समझ में आएगा, बैग हैंग किया हुआ ज़्यादा अच्छे से दिखेगा। तो ये देखें, मैंने ये इसको हैंग किया है। बाकी ये बैग्स भी इसके साथ मैंने लगा दिए हैं ताकि आप इनको भी देख लें अच्छे से, इतने अच्छे ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये देखें जी, हमारी दुकान सजी हुई थी। आपको अगर ये पसंद आए वीडियो तो लाइक और शेयर प्लीज़ ज़रूर कीजिए।